ठीक है। अच्छा, आज हम देख रहे हैं सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन व्यू डेटा एंड व्यू बैग इन एमवीसी। ठीक है, यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर्स में व्यू बैग और व्यू डेटा का कॉन्सेप्ट लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि व्यू बैग और व्यू डेटा में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या क्या है। ठीक है, अच्छा, इस लेक्चर को देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले जो व्यू डेटा और व्यू बैग के लेक्चर हैं वो पहले देखो, तो फिर ये जो सेशन है आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और सिमिलैरिटीज की बात करते हैं। ठीक है, दोनों में तो यहाँ पे पहला पॉइंट देखो, बोथ व्यू डेटा एंड व्यू बैग आर यूज्ड टू पास डेटा फ्रॉम अ कंट्रोलर टू अ व्यू। ठीक है, मतलब व्यू डेटा भी और व्यू बैग भी, कंट्रोलर से डेटा सेंड करके व्यू में अगर हमें डिस्प्ले करवाना है तो हम ये दोनों यूज करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखो, बोथ हेल्प्स टू मेंटेन डेटा व्हेन यू मूव फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू। ठीक है, मतलब कंट्रोलर और व्यू के दरमियान अगर हमें कुछ स्टोरेज चाहिए, ठीक है, मतलब हम चाह रहे हैं कि कंट्रोलर से जो डेटा मेरे पास व्यू में जाए, ठीक है, मतलब कंट्रोलर से व्यू में अगर मेरी स्टेट मेंटेन रहे, डेटा मेंटेन रहे, डेटा स्टोर्ड रहे, तो तब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ व्यू डेटा और व्यू बैक का कॉन्सेप्ट। सही है, फिर यहाँ पे देखो, शॉर्ट लाइफ मीन्स वैल्यू बिकम्स नल व्हेन रीडायरेक्शन अकर्स। ठीक है, मतलब के व्यू बैग यूज करें या व्यू डेटा यूज करें, अगर हम इससे एक कंट्रोलर के व्यू से दूसरे, मतलब एक एक्शन मेथड के व्यू से दूसरे एक्शन मेथड के व्यू में अगर डेटा ट्रांसफर करना चाहें तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब मैं चाह रहा हूं मेरे पास एक एक्शन मेथड है इंडेक्स का और दूसरा एक्शन मेथड है मेरे पास अबाउट अस पेज का, तो मैं चाह रहा हूं इंडेक्स का जो एक्शन मेथड है उसके व्यू से मैं डेटा ट्रांसफर करूं हमारे अबाउट अस के जो व्यू है। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में मैं व्यू डेटा और व्यू बैग यूज नहीं कर सकता, ये दोनों की सिमिलैरिटी है। मतलब अगर मैं एक व्यू से दूसरे व्यू में रीडायरेक्ट होता हूं, नेविगेट होता हूं, तो इस केस में व्यू डेटा और व्यू बैग मैं यूज नहीं कर सकता। ठीक है, इसकी जगह हमारे पास एक आता है टेम्प डेटा, वो उसको यूज करते हुए हम ये चीज अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो टेम्प डेटा को भी आगे जाके देखते हैं। सही है, यहाँ पे देखो, व्यू डेटा एंड व्यू बैग, मतलब ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमारे पास कौन सी क्लास के हैं, डेटा डिक्शनरी क्लास के ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। सही है, फिर यहाँ पे देखो, अच्छा ये लास्ट पॉइंट समझाने से पहले मैं इसके प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर आता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं इसकी थ्योरी समझाता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट एक लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे विजुअल सी शार्प वेब और ASP.NET वेब एप्लीकेशन, और यहां पे हम अपनी एप्लीकेशन का नाम रखते हैं डिफरेंस व्यू बैग व्यू डेटा। ठीक है, यहां पे आके मैं इसको ओके करता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे आता हूं, ये एम्प्टी सिलेक्ट करता हूं और एमवीसी के ऊपर मैं चेक लगाता हूं। ठीक है, और ओके करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आता हूं, सबसे पहले हम एक कंट्रोलर ऐड करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूं। अच्छा, ये कुछ रेफरेंसेस ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अगर ये आपके पास प्रोसेस आया करे तो इसको आप होने दिया करो पहले, क्योंकि ये रेफरेंसेस का एक फोल्डर है, इसके अंदर जो बिल्ट इन रेफरेंसेज हैं, लाइब्रेरीज हैं, वो ऐड होती हैं। ठीक है, तो अब यहां पे आता हूँ, कंट्रोलर्स के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ऐड में जाता हूँ और यहां पे आके हम ऐड करवाएंगे कंट्रोलर। ठीक है, और यहां पे चूज करते हैं MVC5 कंट्रोलर। ठीक है, और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ होम। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास कंट्रोलर आ गया और उसका एक्शन मेथड डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे आके एक व्यू क्रिएट करते हैं, एक व्यू अटैच करते हैं इस इंडेक्स एक्शन मेथड से। ठीक है, ऐड व्यू पे जाते हैं और यहाँ पे इसका नाम इंडेक्स ही रहने देते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने कंट्रोलर में। सही है, और यहाँ पे दोनों के मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, व्यू बैक के भी और व्यू डेटा के भी। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे व्यू डेटा का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, और इसके वेरिएबल का नाम रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल Message1। ठीक है, और इसके अंदर मैं स्टोर करवाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ डेटा कम्स फ्रॉम व्यू डेटा। ठीक है, एक मैसेज है जो कि मैं इसके व्यू डेटा के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ। फिर आते हैं यहाँ पे व्यू बैग। ठीक है, और इसके अंदर मैं इसकी डायनेमिक प्रॉपर्टी का नाम रखता हूँ Message2। ठीक है, और इसके अंदर मैं स्टोर करवाता हूँ
ठीक है, इसी तरह इसको कॉपी करते हैं, एक मैसेज में स्टोर करवाता हूं, ठीक है। और यहां पे मैं कहता हूं डेटा कम्स फ्रॉम व्यू बैग, सही है, ठीक है। मतलब देखो व्यू डेटा के अंदर में मैं एक मैसेज स्टोर करवा रहा हूं स्ट्रिंग और व्यू बैग में भी, ठीक है। फिर इसी तरह इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एक और व्यू डेटा का ऑब्जेक्ट बनाऊं और इसके अंदर मैं पास करता हूं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल करंट डेट वन, ठीक है, मतलब इसके अंदर मैं डेट स्टोर करवाता हूं, मतलब क्लासेस को यूज करते हुए हमारे पे क्लास है डेट टाइम, उसकी एक प्रॉपर्टी है नाउ, उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है, मैं किसके पास भेज रहा हूं, इस व्यू डेटा के ऑब्जेक्ट के पास भेज रहा हूं। फिर इसी तरह अब व्यू बैग का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है, यहां पे इसको पेस्ट करते हैं, यहां पे मैं कहता हूं व्यू बैग, ठीक है, और यहां पे डॉट और इसकी प्रॉपर्टी का नाम मैं रखता हूं करंट डेट टू, ठीक है, और इसके अंदर भी मैं वही डेट एंड टाइम गेट करके स्टोर करवाता हूं, ठीक है। मतलब देखो व्यू बैग और व्यू डेटा दोनों में आप स्ट्रिंग हो इंटीजर हो वो आप स्टोर करवा सकते हो, फिर इसी तरह क्लासेस को यूज करते हुए आप डेटा स्टोर करवा सकते हो, फिर एरेज भी आप इसके अंदर स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाता हूँ और इस एरे का नाम रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल गेम्स, ठीक है, और यहाँ पे आके गेम्स के मैं नाम देता हूँ फॉर एग्जाम्पल हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और लास्ट हम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल बेसबॉल, ठीक है। अब ये मेरे पास एक एरे है, ठीक है, अब इस एरे को मैं व्यू डेटा को भी देना चाह रहा हूं और व्यू बैक को भी, ठीक है, तो यहां पे आते हैं व्यू डेटा, ठीक है, और इसके वेरिएबल का नाम मैं रखता हूं यहां पे फॉर एग्जाम्पल गेम्स एरे वन, ठीक है, ये मेरे वेरिएबल का नाम है और इसमें मैं पास कर दूंगा ये गेम्स का एरे, ठीक है। फिर सेम इसी तरह यहां पे आता हूं और अब व्यू बैग बनाता हूं, ठीक है, यहां पे डॉट, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी का नाम हम रख देते हैं गेम्स एरे टू, ठीक है, और इसके अंदर भी मैं गेम्स का एरे पास करवा रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो यहां पे आके अगर मुझे इनको एक्सेस करना है, ठीक है, मैं चाह रहा हूं इसको मैं एक्सेस करूंगा अपने व्यू में, मतलब जितने भी मैंने वेरिएबल्स बनाए इनको मैं एक्सेस करता हूं अपने व्यू के अंदर, तो यहां पे आते हैं, ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पे एक H3 का टैग लेता हूं, ठीक है, और इसके अंदर हमारा जो पहला था, ठीक है, इसको मैं यहां से कॉपी कर लेते हैं ये वाला, ठीक है, इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं, ठीक है, और यहां आके एट द रेट के बाद, ठीक है, रेजर साइंटेक्स में यूज कर रहा हूं, इसके बाद मैं यहां पे प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है, सही है। और यहां पे आके इसी के नीचे अब मैं इसी को कॉपी करता हूं, ठीक है, यहां नीचे देते हैं, ठीक है, और अब इसकी जगह मैं पास कर दूंगा व्यू बैग, ठीक है, ये जो हमने यहां पे बनाया, ठीक है, ये वाला, सही, इसको कॉपी करते हैं और यहां पे आके मैं इसको यहां स्टोर कर देता हूं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं यहां पे एक और H3 का मैं टैग यूज करता हूं और यहां पे एट द रेट लगाता हूं और अब वो ऑब्जेक्ट रिट्रीव करवाता हूं जिसमें मैंने डेट रखी है, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और यहां पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूं, ठीक है, और फिर इसी तरह यहां पे आते हैं, ठीक है, एक और मैं H3 का बनाता हूं और यहां पे अब मैं डेटा रिट्रीव करवाऊंगा व्यू बैक के थ्रू, ठीक है, और ये जो व्यू बैक का हमने बनाया है यहां पे, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और यहां आके मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पे यहां तक तो सिमिलैरिटीज थी, ठीक है, मतलब मैंने यहां पे डेटा मतलब जिस तरह से ऐड करवाया इसके अंदर सिर्फ साइंटेक्स का फर्क है, ठीक है, बाकी डेटा ऐड किस तरह करवाते हैं मतलब स्टोर किस तरह से करवाते हैं और रिट्रीव किस तरह से कराते हैं तकरीबन सेम था। अब यहां पे देखो मेरे पास एरे है और एरे मैंने व्यू डेटा और व्यू बैग में क्या करवाया हुआ है स्टोर करवाया हुआ है, तो इसको अब रिट्रीव किस तरह से करेंगे, ठीक है, देखो मैं यहां पे आता हूं, ये रेजर साइंटेक्स का कोड ब्लॉक स्टार्ट करता हूं और यहां पे फॉर ईच का लूप यूज करता हूं, ठीक है, और यहां पे मेरा एरे किस टाइप का है स्ट्रिंग, ठीक है, और मैं यहां पे आके इसको कहता हूं आई, ठीक है, और इसके अंदर अब व्यू डेटा के थ्रू, ठीक है, व्यू डेटा के थ्रू मैं क्या करता हूं, ये जो मेरा एरे है, ठीक है, हमारे एरे का नाम क्या था, देखो एरे का नहीं इसका जिसके अंदर मैंने एरे स्टोर करवाया था, क्या नाम था, गेम्स एरे वन, ठीक है, तो इसके अंदर मैं पास कर देता हूं। अब देखो यहां पे अब आता है एक डिफरेंस, ठीक है, ये मैं इसको जरा सेट करूं, ठीक है, अब देखो यहां पे बात करते हैं एक डिफरेंस की। अब देखो एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि
हमारे कंपाइलर को नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, एरे भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो मुझे यहाँ पे कास्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे कास्टिंग के लिए ब्रैकेट्स ओपन करता हूं और इसके अंदर मैं कहता हूं स्ट्रिंग, और कास्टिंग किस में करनी है, स्ट्रिंग के एरे में, क्योंकि मुझे पता है ना व्यू डेटा से क्या आ रहा है, एरे आ रहा है, ठीक है। और वन बाय वन वो किस में स्टोर होता जाएगा, आई के अंदर, ठीक है, मतलब जितनी भी वैल्यूज है आई के अंदर स्टोर होती जाएंगी। और अब मैं फॉर एग्जाम्पल ये जो पूरा ये कोड ब्लॉक है इसको मैं बंद करता हूं यूएल के टैग में, ठीक है, सही है। और अब एलआई के अंदर, एलआई के टैग के अंदर मैं ये आई का जो वेरिएबल था, क्योंकि इसी के पास क्या होगा, वन बाय वन डेटा आएगा और वो रिट्रीव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एट द रेट आई करता हूं, ठीक है। व्यू डेटा और व्यू बैग में एक डिफरेंस क्या है, व्यू डेटा में कास्टिंग करनी पड़ती है, व्यू बैग में कास्टिंग करने की जरूरत नहीं है, व्यू बैग ऑटोमेटिकली कास्टिंग कर लेता है, ठीक है, एक ये डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं अब इसी को कॉपी करता हूं, अब मैं यही अनऑर्डर लिस्ट बनाता हूं इसके लिए, यहाँ पे व्यू बैक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया कास्टिंग देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और अब यहाँ पे व्यू डेटा की जगह मैं इसको कर देता हूँ व्यू बैक, और ये मैं हटा देता हूं। और हमारी प्रॉपर्टी का क्या नाम था, गेम्स एरे टू, ठीक है, मतलब जो व्यू बैक के अंदर स्टोर करवाया था उसका क्या नाम था, गेम्स एरे टू, ठीक है। और अब यहाँ पे आके उसी तरह मैंने आई क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। तो देखो यहाँ पे कास्टिंग में नहीं कर रहा, कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि ये रन टाइम पे ऑटोमेटिकली कास्टिंग हमारे लिए करके दे देगा, ठीक है, एक ये डिफरेंस है, ठीक है। तो यहां पे आके अभी मैं इसको रन करता हूं तो आप रिजल्ट देखो, अब देखो आ रहा रिजल्ट, ये आ रहा है व्यू डेटा के थ्रू, ये आ रहा है व्यू बैक के थ्रू, ठीक है। और फिर यहां पे, अच्छा यहां पे हमारे पास एक मसला हो रहा है, ठीक है, ये चीज, ठीक है, इसको चेक करते हैं, मतलब यहां पे हमने डेट एंड टाइम दो गेट की थी ना, ठीक है, व्यू डेटा की और व्यू बैक की, यहाँ पे सिर्फ एक आ रहा है, ठीक है, और ये चीज क्यों आ रही है इसको भी चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आता हूं, इसको मैं क्लोज करता हूं, ठीक है, ऊपर आते हैं, सही है। अच्छा यहां पे देखो, यहां पे करंट डेट टू था, ठीक है, गेम्स एरे नहीं था, यहां पे करंट डेट टू है, ठीक है, क्योंकि देखो हम ये गेट कर रहे हैं ना व्यू बैक, कौन सा वाला, ठीक है, ये देखो ये लाइन व्यू डेटा करंट डेट गेट करवा रही है व्यू डेटा के थ्रू, और ये करंट डेट गेट करवा रही है व्यू बैक के थ्रू, ठीक है। तो ये एक मिस्टेक थी यहाँ पे, ठीक है, करंट डेटा टू इसको हमने सेट कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद व्यू डेटा है और फिर गेम्स एरे वन, ठीक है, यहां पे आते हैं, गेम्स एरे वन और गेम्स एरे टू, ठीक है, ये सही है। अब यहां पे आके इसको एक दफा फिर रन करते हैं, सही है, ठीक है, मतलब अब ये जो पहली लाइन है ये व्यू डेटा से आ रही है, दूसरी लाइन व्यू बैक से आ रही है, फिर ये जो पहला टाइम है ये व्यू डेटा के थ्रू आ रहा है, और दूसरा टाइम जो डेट टाइम है वो व्यू बैक के थ्रू, और ये जो पहली लिस्ट आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है, व्यू डेटा के थ्रू, और ये जो दूसरी हमारे पास एरे की लिस्ट आ रही है व्यू बैक के थ्रू, बस दोनों को एक्सेस करने का तरीका डिफरेंट था, ठीक है। अच्छा अब हम फॉर एग्जाम्पल अभी हमने कंट्रोलर के अंदर क्या क्या ऐड किया, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग ऐड किया, फिर क्लासेस के थ्रू डेटा ऐड किया, फिर एरे के थ्रू मैंने यहाँ पे व्यू डेटा और व्यू बैक के अंदर एरे स्टोर करवाया, लिस्ट स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझे ऑब्जेक्ट स्टोर करवाना हो, ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट व्यू डेटा या व्यू बैक के अंदर स्टोर करवाना हो, फिर उसे रिट्रीव करवाना हो, तो वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैं आता हूं, हमारे पास फोल्डर है मॉडल्स, आपको याद होगा मॉडल्स का मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि इसके अंदर सी शार्प की क्लासेस बनती हैं, और ऐसी क्लासेस जो कि डेटाबेस के टेबल्स में हम यूज करते हैं, सही है। तो यहाँ पे आता हूँ, डेटाबेस का तो फिलहाल मैं काम नहीं कर रहा, इसके अंदर जस्ट मैं एक क्लास बना रहा हूं, इसके ऊपर राइट क्लिक करो और यहाँ पे क्लास, ठीक है, और इस क्लास का मैं नाम रखता हूं यहाँ पे एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय मैं इस क्लास का यहाँ पे नाम दे रहा हूं, ठीक है, क्लास आ गई। अब इसके अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज बना लेता हूं, ठीक है, यहां पे आता हूं इंटीजर, और यहां पे एम्प्लॉय से रिलेटेड मैं कुछ प्रॉपर्टीज बनाता हूं, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, और फिर इसी को कॉपी करता हूं, ठीक है, तीन हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, एक एम्प्लॉय आईडी है, दूसरा हो जाएगा एम्प्लॉय नेम, और इसकी डेटा रिटर्न टाइप कर देते हैं हम स्ट्रिंग, और यहां पे कह देता हूं एम्प्लॉय एज, सही है। ये तीन हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज मैंने बना ली है। अब देखो
अब ये डेटा मुझे व्यू में डिस्प्ले करवाना है, मतलब मॉडल का डेटा मुझे व्यू में डिस्प्ले करवाना है, तो मैं मॉडल का डेटा डायरेक्ट व्यू में डिस्प्ले नहीं करवा सकता, क्योंकि रिक्वेस्ट किसके पास आती है? कंट्रोलर के पास, ठीक है। मतलब जब मैं यूआरएल टाइप करता हूं तो कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आती है, फिर कंट्रोलर क्या करता है, मॉडल में से डेटा चेक करता है, अगर मॉडल में से डेटा है तो वो लेता है मॉडल से और व्यू में डिस्प्ले करवाता है। तो इस क्लास का जो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो कहां पे बनाऊंगा? कंट्रोलर में, ठीक है। ये जो मेरा कंट्रोलर का एक्शन मेथड है, मैं यहां पे आता हूं, लिखता हूं एम्प्लॉय। अब देखो एम्प्लॉय हमें इंटेलिजेंस में शो नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि वो एक फोल्डर में बंद है और उस फोल्डर का क्या नाम है? मॉडल्स। इस फोल्डर को मुझे ऐड करवाना है अपने इस कंट्रोलर के ये जो क्लास है इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पे आओ, देखो नीचे हिंट शो हो रही होगी, इसके ऊपर क्लिक करो, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, ठीक है। तो देखो पहला क्या आ रहा है, यूजिंग डिफरेंस व्यू बैक व्यू डेटा, ये हमारे पैकेज का नाम है, और उसके अंदर कौन सा फोल्डर है? डॉट मॉडल्स, क्योंकि इसी के अंदर एम्प्लॉय की क्लास मौजूद है। तो इस नेम स्पेस को मुझे इस होम कंट्रोलर की सीएस फाइल में ऐड करवाना लाजमी है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो ये हो गया है। और अब मैं यहां पे आता हूं, फॉर एग्जाम्पल इसके ऑब्जेक्ट का नाम रखता हूं आसिम इज इक्वल टू न्यू, और दोबारा एम्प्लॉय इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब वो जो प्रॉपर्टीज थी उसमें मैं डेटा सेट करवाता हूं जो मैंने एम्प्लॉय की क्लास में रखी थी, ठीक है। यहाँ पे देखो एम्प्लॉय आईडी आ रही है प्रॉपर्टी, इसको मैं देता हूं 11, ठीक है। और फिर आसिम डॉट यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, ठीक है, यहाँ पे हम इसका नाम सेट कर देते हैं आसिम खान। देखो अभी मैं मैनुअली सेट कर रहा हूं, लेकिन यही काम हम डेटाबेस के थ्रू भी करेंगे जब हम मॉडल्स का डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आके आसिम डॉट एम्प्लॉय एज, ठीक है, और इसके अंदर मैं पास करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 25, ठीक है। और अब देखो ये ऑब्जेक्ट है ना, अब ये ऑब्जेक्ट भी मैं व्यू डेटा और व्यू बैक को पास करवा सकता हूं, ठीक है। एक ये भी सिमिलैरिटी है, तो यहां पे आते हैं व्यू डेटा, ठीक है, और इसको मैं यहां पे नाम देता हूं इसके ऑब्जेक्ट का एम्प्लॉय वन, और इसके अंदर मैं पास करवा देता हूं ये आसिम वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर इसी तरह व्यू बैक, ठीक है, और इसके अंदर मैं कह देता हूं एम्प्लॉय टू, ठीक है, और इसके अंदर भी मैं वही ऑब्जेक्ट आसिम वाला इसमें ऐड करवा लेता हूं, ठीक है। और अब इनको मैं एक्सेस करता हूं कहां पे जाके, अपने व्यू में इंडेक्स सीएस एचटीएमएल में, ठीक है। तो यहां पे आते हैं जहां एरे प्रिंट करवा इसके नीचे। अब देखो यहां पे मैं एक रेजर साइंटेक्स कोड ब्लॉक ओपन करता हूं और यहां पे एक वेरिएबल बनाता हूं ए, ठीक है, और उसके अंदर मैं डेटा गेट करता हूं व्यू डेटा, और इसके अंदर जो अभी मैंने बनाया था क्या एम्प्लॉय वन, जिसके अंदर वो ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय का, ठीक है। लेकिन अभी मुझे यहां पे बताना पड़ेगा कि ये जो एम्प्लॉय वन का ऑब्जेक्ट है ये कौन सी क्लास में इसकी कास्टिंग करनी है, ठीक है। तो देखो मैं यहां पे आके देता हूं एम्प्लॉय, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अभी देखो एम्प्लॉय इसको नहीं मिल रहा, क्योंकि एम्प्लॉय हमारे पास कहां पे है? मॉडल्स के फोल्डर में, ठीक है। तो हमने क्या करना है, देखो जिस तरह यहां पे हमने नेम स्पेस ऐड करवाया था, ऊपर में जाता हूं, ठीक है, ये देखो ये जो नेम स्पेस ऐड करवाया हुआ मैंने ऊपर नजर आ रहा है, इसी को मैं यहां से कॉपी करता हूं और यहां पे जाके ये जो हमारा व्यू है, ठीक है, यहां पे एम्प्लॉय से पहले, मतलब जब मैं कास्टिंग करवा रहा हूं इससे पहले मैं यहां पे और यहां पे लगा दूंगा डॉट, ठीक है, क्योंकि हमारा ये नेम स्पेस है और इसके अंदर मॉडल्स का फोल्डर है और इसके अंदर एम्प्लॉय की क्लास है। तो मैं कह रहा हूं ये जो व्यू डेटा के अंदर जो ये ऑब्जेक्ट है उसको कन्वर्ट किस में करना है? एम्प्लॉय में, और फिर किसको आपने दे देना है? वॉर टाइप के वेरिएबल में। और मैंने आपको बताया था वॉर टाइप हर डेटा टाइप का डेटा एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो अब देखो मैं यहां पे आता हूं, दूसरा वेरिएबल बनाता हूं बी, और इसके अंदर मैं व्यू बैक के थ्रू, ठीक है, व्यू बैक के थ्रू मैंने जो यहां पे उसका नाम क्या रखा था, एम्प्लॉय टू आई थिंक रखा था, ठीक है। यहां पे जाते हैं, ठीक है, नीचे जाते हैं। अच्छा देखो एक गलती कर रहा हूं मैं, साइंटेक्स, ठीक है, देखो साइंटेक्स व्यू बैक का साइंटेक्स ये नहीं है, डॉट लिख के फिर हम यहां पे इस तरह से लिखते हैं एम्प्लॉय टू, क्योंकि ये जो की है ये हम व्यू डेटा में यूज करते हैं, ठीक है। व्यू बैक के साथ हम क्या यूज करते हैं, ये जो हमारे पास डायनेमिक प्रॉपर्टी है इसको यूज करते हैं इस तरह से, ठीक है। और कॉल भी हम इसी तरह से करवाएंगे यहां पे जो हमारा व्यू है, ठीक है। अब देखो जब मैं व्यू बैक यूज कर रहा हूं तो इस केस में मैं कास्टिंग नहीं करवा रहा, कास्टिंग में किस केस में करवा रहा था, व्यू डेटा के केस में करवा रहा था, ठीक है। तो अब यहां पे आते हैं,
ठीक है। मैं एक और यहां पे कोड ब्लॉक ओपन करता हूं और यहां पे मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल H3, ठीक है। और यहां पे अब पहले मैं व्यू डेटा का जो वेरिएबल है ए उसको एक्सेस करता हूं। यहां पे साइंटेक्स लगाओ एट द रेट, फिर ए डॉट एम्प्लॉय आईडी, देख लो इंटेलिजेंस में शो करवा रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह तीन प्रॉपर्टीज थी ना, ठीक है, एक एम्प्लॉय आईडी थी, एम्प्लॉय नेम था, और फिर तीसरा क्या था, एम्प्लॉय एज, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब यही काम, ये मैंने अभी काम किसके थ्रू किया है, व्यू डेटा वाले वेरिएबल के थ्रू। अब मैं व्यू बैक के थ्रू करता हूं तो देखना एक डिफरेंस है। यहां पे आता हूं S3 और इसको मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास एट द रेट है, अब उसका वेरिएबल का क्या नाम था, बी। अब देखो यहां पे जब मैं डॉट लगाऊंगा तो देखो यहां पे इंटेलिजेंस शो नहीं हो रही, देख रहे हो, क्योंकि यहां पे मैंने कास्टिंग नहीं की हुई ना, ठीक है। यहां पे मैं खुद लिखूंगा, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, और ये डिसाइड कब होगा, रन टाइम पे डिसाइड होगा कि इस प्रॉपर्टी के अंदर कोई डेटा मौजूद है या नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आता हूं, दूसरा हमारे पास था एम्प्लॉय नेम, ठीक है, और तीसरा था हमारे पास एम्प्लॉय एज, ठीक है। तो अब यहां पे आके रन करता हूं तो आप रिजल्ट देखो, ठीक है। अब देखो, अब ये जो आपके पास तीन S3s हैं, ये कहां से आ रहे हैं, व्यू डेटा के थ्रू, और ये कहां से आ रहे हैं, व्यू बैक के थ्रू, ठीक है। तो मतलब ये हम यहां पे इसका यूज एक कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंस भी है और ये कुछ सिमिलैरिटीज भी है। अच्छा, अब आते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर। अब यहां पे देखो, बोथ व्यू बैक एंड व्यू डेटा डज नॉट प्रोवाइड कंपाइल टाइम एरर चेकिंग, मतलब व्यू बैक हो या व्यू डेटा हो, ये कंपाइल टाइम पे एरर्स आपको डिस्प्ले नहीं करवाते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू मिस स्पेल कीज यू वुडंट गेट एनी कंपाइल टाइम एरर्स, यू गेट टू नो अबाउट द एरर ओनली एट रन टाइम। भाई देखो, यहां पे जब मैंने होम कंट्रोलर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे आऊं, ठीक है, देखो टॉप पे लेके जाता हूं, यहां पे मैंने दो वेरिएबल बनाए हैं, व्यू डेटा और व्यू बैक, एक का नाम रखा है मैसेज वन, दूसरे का नाम रखा है मैसेज टू। लेकिन अगर मैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर लेता हूं यहां पे आके, मतलब जब मैं इसको कॉल कर रहा हूं ऊपर, ठीक है, ये देखो मैं यहां पे आके इसको जब कॉल कर रहा हूं, मैं यहां पे गलती से दो दफा वन लगा देता हूं, ठीक है, और यहां पे व्यू बैक में गलती से दो दफा टू लगा देता हूं, तो देखो हमें कोई एरर नहीं आ रहा कंपाइल टाइम, क्योंकि व्यू बैग और व्यू डेटा ये चेक कहां पे होगा, रन टाइम पे चेक होगा, कंपाइल टाइम पे कोई भी हमारे पास एरर नहीं आता, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे आके अभी रन करूं तो इस केस में हमारे पास आती है नल रेफरेंस एक्सेप्शन, क्योंकि जो मैंने मैसेज डबल वन दिया है, मैसेज डबल टू दिया है, इस नाम के ऑब्जेक्ट्स में तो कोई डेटा है ही नहीं, सही है ना, ठीक है। तो तभी हमारे पास एक्सेप्शन कौन सी आएगी, नल रेफरेंस एक्सेप्शन आएगी, ठीक है। देखो हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है तो इसके बाद यहां पे अब एक्सेप्शन आएगी। अच्छा, ये एक्सेप्शन हमारे पास, देखो एक्सेप्शन इस केस में नहीं आई, ठीक है, लेकिन हमारे पास वो डेटा शो नहीं हो रहा, देख रहे हो, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास कोई डेटा है ही नहीं। अच्छा, लेकिन अगर इस केस में, फॉर एग्जाम्पल चलो अगर इस केस में हमारे पास नहीं आया, ठीक है, सही है, क्योंकि यहां पे जस्ट मैं एक वेरिएबल डिस्प्ले करवा रहा हूं, अगर मैं यहां पे चेंज कर दूं, फॉर एग्जाम्पल ये जो एरे है देखो, गेम्स एरे डबल वन कर देता हूं, ठीक है, और यहां पे जो व्यू बैग है इसको कहता हूं गेम्स एरे डबल टू, ठीक है। तो इस केस में अब देखो, क्योंकि यहां पे कास्टिंग चल रही है ना, तो अगर उसको डेटा ही नहीं मिलेगा तो वो कास्टिंग किस में करेगा, तो इस केस में आएगी हमारे पास नल रेफरेंस एक्सेप्शन। तो यहां पे आता हूं मैं, इसको रन करता हूं, अब देखो एक्सेप्शन आएगी, देखो कौन सी एक्सेप्शन आ रही है, नल रेफरेंस एक्सेप्शन, और कौन से पॉइंट पे आ रही है, वहीं जहां हम कास्टिंग करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे व्यू डिटेल में देखो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे, क्योंकि उसको गेम्स एरे 11 के नाम से कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा व्यू डेटा का, ठीक है। तो यहां पे आके अगर मैं इन दोनों को सेट कर दूं तो इस केस में हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब इसकी थ्योरी पे आते हैं, सही, मतलब यही कह रहा है कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक आप कर देते हो कॉल करवाते वक्त तो कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं आएगा। अब आते हैं डिफरेंसेस के ऊपर। अब देखो, व्यू डेटा इज अ डिक्शनरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट इज डिराइव फ्रॉम व्यू डेटा डिक्शनरी क्लास एंड इज एक्सेसिबल यूजिंग स्ट्रिंग एज कीज, ठीक है, मतलब हमारे पास एक क्लास है व्यू डेटा डिक्शनरी जिससे ये व्यू डेटा का ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है।
और हम इसके अंदर जो कीज होती है, कीज मैं किसे कह रहा हूं, देखो ये जो मैं व्यू डेटा के अंदर ये जो लिखता हूं ना स्ट्रिंग में, इसको मैं कीज कह रहा हूं, ठीक है। फिर यहां पे देखो व्यू बैक यूजेस डायनेमिक फीचर दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सी शार्प 4.0। मतलब डायनेमिक फीचर, ये जो मैं प्रॉपर्टी लिखता हूं ना डॉट लगा के, ये एक डायनेमिक प्रॉपर्टी होती है। और डायनेमिक प्रॉपर्टी का मतलब इसके अंदर मैं कोई भी डेटा टाइप दे सकता हूं, किसी भी डेटा टाइप का डेटा दे सकता हूं, और ये डेटा टाइप पहचानी कहां जाएगी, रन टाइम पे पहचानी जाएगी कि इस डायनेमिक प्रॉपर्टी को आपने किस टाइप का डेटा दिया, ठीक है। इट अलाउज एन ऑब्जेक्ट टू हैव प्रॉपर्टीज डायनेमिकली एडेड टू इट। डायनेमिकली का मतलब रन टाइम, मतलब रन टाइम पे डिसाइड होता है कि जो आपने इस प्रॉपर्टी को वैल्यू दी है उसकी डेटा टाइप क्या है, ठीक है, ये बात याद रखना। फिर देखो व्यू डेटा रिक्वायर्स टाइप कास्टिंग, मतलब व्यू डेटा के केस में लाजमी आपने कास्टिंग करनी है, ठीक है, वरना वो आपको एरर देगा, ठीक है। लेकिन व्यू बैक डज नॉट रिक्वायर टाइप कास्टिंग व्हेन यू यूज कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। मतलब जब कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप किसे कहा जा रहा है, क्लासेस को, जब आप क्लासेस के दरमियान या स्ट्रिंग के एरे में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हो, लिस्ट में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हो, तो उस केस में आपको टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यू बैक के ऑटोमेटिक क्या कर देता है, टाइप कास्टिंग कर देता है रन टाइम के ऊपर, ठीक है। फिर यहां पे देखो सिंटैक्स का भी थोड़ा डिफरेंस है, व्यू डेटा में हम की देते हैं, ठीक है, और व्यू बैक में हम क्या देते हैं, डॉट के बाद उस डायनेमिक प्रॉपर्टी का नाम देते हैं और फिर उसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। अब देखो इन दोनों के अंदर एक सिमिलैरिटी क्या है, वैल्यू किस टाइप की हो सकती है, सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, एरे भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जो हमने मॉडल क्लास में क्लास बनाई थी उसका ऑब्जेक्ट पास किया था व्यू बैग और व्यू डेटा में, वो भी हम कर सकते हैं, ये भी एक सिमिलैरिटी है। अच्छा फिर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू पास डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू अ व्यू इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू यूज स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू मॉडल्स ओवर व्यू बैग एंड व्यू डेटा। मतलब यहां पे कह रहा है कि बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप व्यू बैग और व्यू डेटा को यूज ना करो, बल्कि किसको यूज करो, स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू मॉडल्स। क्यों? क्योंकि देखो अभी मैंने बताया ना कि व्यू बैग और व्यू डेटा कंपाइल टाइम एरर चेकिंग नहीं करता, ये रन टाइम एरर चेकिंग करता है। अब ये देखो ये एक तरह का ड्रॉबैक है, मतलब अगर मुझे कंपाइल टाइम, मैं चाहता हूं कंपाइल टाइम पे जो एरर्स हैं मैं वो कंपाइल टाइम पे फिक्स कर दूं, ठीक है, ताकि जब मैं रन करूं तो मेरे यूजर को सही रिजल्ट मिले, ठीक है। तो इस केस में हम व्यू बैग और व्यू डेटा को अवॉइड करते हैं और उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, स्ट्रांगली टाइप व्यू मॉडल्स, ये भी आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। फिर देखो स्ट्रांगली टाइप व्यू मॉडल्स प्रोवाइड कंपाइल टाइम एरर चेकिंग, क्योंकि व्यू बैग और व्यू डेटा कंपाइल टाइम एरर चेकिंग प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन स्ट्रांगली टाइप व्यू मॉडल्स चेकिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसको भी अभी आगे जाके देखेंगे, ठीक है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे हमने एक पॉइंट ऊपर पढ़ा था शॉर्ट लाइफ, ठीक है, मतलब व्यू बैग और व्यू डेटा को यूज करते हुए अगर मैं एक एक्शन मेथड के व्यू से दूसरे एक्शन मेथड के व्यू में डेटा ट्रांसफर करना चाह रहा हूं तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहां पे आऊं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कंट्रोलर में आते हैं, देखो ये मेरे पास अभी एक कंट्रोलर है ना, एक्शन रिजल्ट इंडेक्स एक एक्शन मेथड है, मैं दूसरा एक्शन मेथड बनाता हूं, ठीक है, और यहां पे मैं कहता हूं पब्लिक, ठीक है, और इसका नाम इसकी रिटर्न टाइप में वही रखता हूं एक्शन रिजल्ट, ठीक है, और इस एक्शन मेथड का नाम रखता हूं अबाउट, मतलब ये अबाउट का पेज बना रहा हूं, ठीक है, और फिर रिटर्न में क्या करवा लूंगा व्यू, ठीक है, और अब अबाउट के लिए भी मैं व्यू बना लेता हूं, राइट क्लिक करता हूं, इसके ऊपर एड व्यू पे जाते हैं, ठीक है, और यहां पे एड, ठीक है, इसी नाम से मैं एड कर लेता हूं अबाउट के नाम से, ठीक है, और अब यहां पे आते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे फॉर एग्जांपल मैं कुछ डेटा सेंड करवाता हूं, ठीक है, इसकी तरफ, ठीक है, मैं चाह रहा हूं व्यू बैक का जो कुछ डेटा है वो मैं, देखो यहां पे हमारे पास ये डेटा है ना, कौन सा डेटा है, व्यू डेटा और हमारे पास व्यू बैग, ठीक है, इसका डेटा मैं चाह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मुझे कहां पे चाहिए, अबाउट के जो मैंने व्यू बनाया इसके अंदर चाहिए, तो अगर मैं यहां पे आऊं, देखो मैं यहां पे आता हूं, ये जो मैंने इंडेक्स का यहां पे कोड लिखा था इसके लिए, ठीक है, ये वाला कोड मैं इसको कॉपी करता हूं और इसको मैं रखता हूं अबाउट के पेज में, ठीक है, और यहां पे एक मैसेज डिस्प्ले करवाता हूं, व्यू डेटा डेटा इज
ठीक है। और यहां पे आता हूं, कॉपी करता हूं और यहां पे कहता हूं व्यू बैग। मतलब देखो ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं व्यू डेटा और व्यू बैग के, ये डिक्लेयर कहां पे हुए हुए? इंडेक्स के एक्शन मेथड में हुए हुए। मतलब अगर इंडेक्स का ही व्यू है वो तो एक्सेस कर लेगा, लेकिन अब इंडेक्स का जो एक्शन मेथड है उसका मैं डेटा कहां पे दूसरे व्यू में एक्सेस करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो इस केस में आप रिजल्ट देखना, मैं यहां पे आता हूं इसको रन करता हूं, ठीक है। अभी देखो ये अभी इंडेक्स पेज हुआ है, ठीक है। मैं यहां पे आता हूं इसके यूआरएल में चेंजिंग करता हूं, मैं कहता हूं होम, होम है हमारा कंट्रोलर, और उसके बाद कौन से पेज पे जाना है, अबाउट वाले पेज पे जाना है, ठीक है। मतलब इंडेक्स पेज से मैं अबाउट पेज पे जा रहा हूं, ठीक है। यहां पे आके मैं रन करता हूं तो अब आप रिजल्ट देखना। अब देखो व्यू डेटा में डेटा आ रहा है, नहीं आ रहा। व्यू बैग में डेटा आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब अगर एक एक्शन मेथड के व्यू से दूसरे एक्शन मेथड के व्यू में अगर मुझे डेटा मेंटेन करवाना है, स्टोर करवाना है, तो ना तो मैं व्यू डेटा यूज कर सकता हूं ना व्यू बैग। इसके लिए हमारे पास तीसरी एक टाइप आती है टेम्प डेटा, वो अभी इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सही है। तो ये हमारे पास कुछ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस थे व्यू डेटा और व्यू बैग के दरमियान। क्लियर है यहां तक?